नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक नंबर के द्वारा आप अपने पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं, तो इसमें किस तरीके से जानकारी निकाल सकते हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक नंबर डायल करना होगा, जैसे ही आप उस नंबर को वहाँ पर डायल करेंगे दोस्तों, तो उससे आप लास्ट ट्रांजेक्शन और आपका पीएफ अकाउंट एक्टिवेट है या नहीं है, लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है, ये सब जान सकते हैं। तो आपको ये सबसे मैंने ऊपर नंबर दिया हुआ है दोस्तों, ये यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं, ये ऊपर वाला जिसमें मैंने लिख रखा है पीएफ मिसकॉल नंबर, तो ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, हाँ आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर जिस नंबर का एक्टिवेट है वही नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ये जैसे कि मैंने सिम नंबर फर्स्ट सेकंड में मैंने एक्टिवेट करा रखा है, तो यहाँ पर ये करना है। और यहाँ पर आपका जब तक, हाँ देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मिस कॉल लग जाएगी, मिस कॉल लगने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मैसेज आ जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि डिटेल अगेनेस्ट आई डी आ चुकी है। और उसके बाद नीचे वाला आपका ये मैसेज आ चुका है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी ये वाला हुआ है और ये आपके पीएफ यहाँ पे 6506 रुपये हैं। तो जैसे ही आपको उस पर बस आपको मिस कॉल कॉल करना है, ऑटोमेटिक उस पर मिस कॉल लग जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप पीएफ की लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल सकते हैं, कितना पैसा कटा है और एक्टिवेट है या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, मिलता है अगली वीडियो के साथ, फिर से नमस्कार।